हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो आप लोग मज़े में ही होंगे। तो अभी गाइस मैं आया हूँ अपने बुआ के घर। पीछे देख सकते इतने पेड़ पौधे, आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। मैं बुआ के आया हूँ, मम्मी भी साथ में आई हुई हैं। तो क्यों आया हूँ अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊँगा, क्योंकि अभी जल्दी से यहाँ सारे पेड़ों में पानी डालते हैं और फिर चलते नीचे, रेडी होते हैं और जाना है मुझे स्कूल, नहीं तो लेट हो जाएगा मुझको, इसलिए। तो आपको बताएंगे, थोड़ी देर रुकिए, बताएंगे। और गाइस छत पे भाई जो सुबह सुबह, अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:45 हो रहा है, और भाई जो सुबह सुबह मस्त धीमी धीमी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सनराइज़ भी हो ही गया है और भाई मस्त भाई आ रही है। मतलब लेट ना हो रहा था तो थोड़ी देर छत पे रहते, बट जल्दी से डालते हैं नीचे, चलते रेडी होते, बहुत लेट हो जाएंगे नहीं तो। पानी डाल लिया गाइस, अब चलते हैं नीचे। भाई 7 बज गए हैं, लेट हो रहा है। चलो गाइस अब चलते हैं, गाइस रेडी होते हैं। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है सैंडविच, तो जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं। गाइस रेडी, अब निकलते हैं स्कूल के लिए। तो अब बताता हूँ गाइस कि मैं बुआ के यहाँ क्यों आया। हुआ ये कि बुआ के यहाँ, मतलब दादा मेरा बड़ा भाई और दीदी, तो दोनों की सडनली जॉब लग गई और दोनों दिल्ली चले गए, मतलब उनको वहीं से काम करना था। तो बुआ हो गई अकेले, अकेले जानते रहने में प्रॉब्लम होती है। तो हुआ तो मैं यहाँ आ गया, मतलब यहाँ भी रहूँगा, फिर अपने घर भी रहूँगा, आते जाते रहूँगा। तो उसमें क्या हुआ, तो पापा भी 4 दिन के लिए बाहर गए थे ऑफिस से काम के लिए, तो मम्मी भी आ गई, तो हम दोनों अपना आ गए। तो बस मम्मी 1-2 दिन में चली जाएंगी, मैं भी वहाँ आता जाता, यहाँ भी आता जाता रहूँगा, स्कूल भी यहीं से आऊँगा जाऊँगा, तो यही है, बस इसीलिए आए थे। छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टियाँ मनाने नहीं आए थे। तो भाई रोड पे आ गए हैं, बस अब टैक्सी का वेट हो रहा है, टैक्सी आ जाए तो फिर चले। टैक्सी जाऊँगा ना, यहाँ साइकिल तो है नहीं और दूर भी है यहाँ से, तो साइकिल से नहीं जा पाएंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे पक्का पुल पे उतर गया हूँ, जो कि पुराने लखनऊ में। तो गाइज अब मैं पुराने लखनऊ में, देखिए पूरा, अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो वहाँ आगे चौराहे तक मैं चलूँगा, तो मेरा एक फ्रेंड आ जाएगा, वो मुझको ले लेगा, फिर हम दोनों साथ में स्कूल चले जाएंगे। तो गाइज ये देखिए, ये है पूरा पुराना लखनऊ, ये बड़ा इमामबाड़ा, वो रूमी गेट और ये भूल भुलैया। तो मतलब भाई क्या मस्त लग रहा है ना व्यू। मतलब स्कूल ना जाना होता, मुझे टाइम होता थोड़ा मेरे पास, तो आप लोग को पूरा फुल टूर देता है यहाँ का, भाई मज़ा आता। कोई नहीं, बाद में एक इसका भी ब्लॉग यहाँ के बना लेंगे, बट अभी स्कूल चलते हैं, फिर तो लेट हो जाएगा। आपको व्यू दिखाते हैं भाई, इतना अच्छा लगता है ना, रुकिए अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है, वही रूमी दरवाज़ा, इमामबाड़ा। तो यहाँ पे चल रहा है गाइस कोई शूट, तो हो रहा होगा शूट वगैरह कुछ। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई शूट चलता रहता है, आप जब भी आइए आपको कोई ना कोई शूट होते दिखता ही रहेगा, कभी कोई सीरियल की, कभी कोई मूवी की, कभी कोई एड की। तो यहाँ कभी लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट बहुत करवाते हैं पुराने लखनऊ में, प्री वेडिंग शूट भी चलते रहते हैं यहाँ पे, बहुत होते हैं। ये देखिए गाइस, ये है रूमी दरवाज़ा, तो अभी मैंने कॉल किया, कह रहा भाई बस आ रहे, बस थोड़ी दूर है, तो वो बाइक से जाता है, तो उसने कहा चलना चलना मेरे साथ, तो ठीक है भाई ले लेगा, गर्मी में वैसे भी इधर उधर गर्मी। और भाई जब तक से यहाँ बैठे भाई मज़े ले रहा हूँ मैं, मस्त पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जो धीमे धीमे हवा चल रही है ना, और पीछे यहाँ पे है गार्डन, तो बस सही हो चल रहा है, मज़ा आ रही है। यहाँ तो मतलब पूरा दिन टहलते रहे, मज़ा आएगी भाई। आगे अब चलते जल्दी से, बहुत ज़्यादा देर हो गए, बहुत गए भाई, यहाँ पे गाड़ी पार्क करता है, फिर चलते हैं अंदर भाई, बहुत ज़्यादा देर हो गई है भाई। छुट्टी हो गई, अब चलते हैं भाई सीधे घर, बहुत तेज धूप है आज भी। अभी आएंगे जो पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवाने भाई, लेकिन गर्मी बहुत तेज है, बे इंतहा।
पेट्रोल भी डाल लिया, अब चलते हैं सीधे। तो अभी गाइस यहाँ पे पीने आए हम लोग गन्ने का जूस, भाई बहुत गर्मी हो रही है ना। क्या मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से एकदम। चलते हैं अब कहीं नहीं रुकेंगे भाई, बहुत जी देर लगा ले, चलते हैं रुक जाते हैं। पहुँच गए गाइस, अब यहीं पे उतर गए, टैक्सी वाले ने डाल दिया, अब यहाँ से पैदल जाएंगे तो बहुत दूर नहीं है। लेकिन पहुँच गए गाइस घर भाई, बहुत गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो गया। चलो पहुँच गए भैया, करते हैं चेंज फिर खाते हैं कुछ। चेंज कर लिया गाइस, अब चलते हैं अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मम्मी क्या कर रही हो? तो मम्मी यहाँ पर रोटी सेकनी है, रोटी। तो अब करते हैं गाइस लंच, लंच में है आलू की सब्जी, रोटी और चावल। करते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है मुझको तो। चल तो लंच हो गया गाइस, और अभी मैं यहाँ पे बैठे कर रहा हूँ एडिटिंग, क्योंकि ब्लॉग बहुत पीछे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, धूप बहुत है अभी, तो वही एडिटिंग ही करते हैं। गाइस मैं एडिटिंग कर ही रहा था, तभी मम्मी लस्सी ला के दी भाई, लस्सी पीते। घर के ये सब बने चीज़ों का टेस्ट ही अलग रहता है एकदम, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा। तो अब चलते जा रहे हैं छत पे, देखते हैं क्या हाल है छत पे। धूप तो जा चुकी है शायद, धूप तो पूरी जा ही चुकी है, सही है अभी तो। हवा नहीं चलती, हवा चले तो सही रहेगा। हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो जा रहा है, कितना छोटा सा दिख रहा है। इतनी धूप रहती है तो सारे पेड़ वगैरह सिर्फ मुरझा से जाते हैं। तो गाइस अभी बुआ गई हुई है एक फंक्शन में था, तो अभी फंक्शन में गई हुई है वो, कहनी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो अभी घर में सिर्फ मैं और मम्मी है, मम्मी है तो मम्मी यहाँ बैठे चाय पीनी है, वह आ जाएंगी थोड़ी देर में बुआ, मतलब तो उन्होंने कर रहा हो तुम लोग, अभी आते हैं। चलते हैं भैया, थोड़ा पढ़ाई करते हैं अब चल के। तो अभी जा रहे गए जरा एक दवाई लेनी थी, तो वही दवाई लेने जा रहे हैं, चौराहे पे ही है मेडिकल स्टोर, तो वहीं से चल के लेते हैं। चलते हैं, चलिए। काफ़ी चहल पहल है रोड पे, चौराहे वगैरह पे सब लोग हैं। ये रही मेडिकल स्टोर, चलते हैं ले लेते हैं। मिल गई दवाई गाई, सब चलते हैं घर के किनारे किनारे बन रहा है, तो पूरी रोड खोदी हुई है, तो गिट्टी वगैरह सब पड़ी हुई है, सब वही बन रहा है। बड़ा देख के चलने वाला, उस दिन परसों मैं आया चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गिरते गिरते बचा। तो वैसे बुआ भी आ गई हैं और पापा भी आज आ गए, क्योंकि उनको आ गए थे लखनऊ, तो वो घर जाने की जगह यहीं आ गए, तो सब यहीं थे, मम्मी भी, तो वो आ गए आज, यहीं रुकेंगे पापा और कल सुबह मम्मी को लेके चले जाएंगे। मैं अभी तो यहीं रहूँगा, तो अभी आए हैं तो बुआ से बात कर रहे हैं पापा, तो चलते हैं हम खाना वगैरह खाते हैं। तो गाइस अब करते हैं डिनर, डिनर में है भिंडी पराठा और रसगुल्ला, मस्त डिनर है, चलिए खाते हैं। तो बस गाइस डिनर हो चुका है, बहुत ही अच्छा डिनर था, सब लोग थे, पापा थे, मम्मी थी, बुआ थे, तो सही है। और अब चलते गाइस, आज सोचते मुझे नींद आ रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, स्कूल जाना था, फिर पूरा दिन इधर उधर ये वो निकल जाता है, थक गया आज, ना थके नहीं मतलब नींद आ रही है। तो चलते हैं गाइस, सोते हैं, ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।